जिले में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। चूरू के वार्ड नंबर 41 में युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के एक दिन बाद ही उसके माता पिता की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ऐसे में युवक के संपर्क में आए लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने वार्ड नंबर 40, 41 और 42 में स्क्रीनिंग का काम तेज कर दिया है। वहीं जिला कलेक्टर संदेश नायक व एसपी तेजस्वी गौतम ने आज वार्ड का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया व तुरंत प्रभाव से पूरे वार्ड को सीज कर दिया है। अब अगर वार्ड का कोई भी व्यक्ति बाहर निकला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एरिया है जहां पे हमारे जमात के लोग रुके थे और यहां गश्त भी किए हैं, हमें 2 दिन पहले यहां पे एक घर में हमें कोरोना पॉजिटिव का व्यक्ति पाया गया, इसलिए इस एरिया को हम कंटेनमेंट जोन, फर्दर कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। यहाँ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगा और बाहर के एंट्री एग्जिट जहाँ पे भी यहाँ का है उसको बंद करके एक जगह पे हमने उसका एंट्री एग्जिट रखा है। और यहाँ के जो मौजूद व्यक्ति और हमारे जो प्रोफेसर हैं यहाँ पे हैं, उनको हमने इंचार्ज बनाया है, यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ का लोगों को कोई समस्या आती है तो हमें इन्फॉर्म करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगी और हर जगह से यहाँ कंट्रोल रहेगा। किस तरह की व्यवस्थाओं का जायजा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात और अच्छी बात हमारे लिए ये है कि इस मस्जिद के आसपास हमारे पहले से ही, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारे 2 फिक्स पॉइंट्स हैं, तो आना जाना और कम्युनिटी स्प्रेड का इसमें डर हमें अभी कम है। अभी पूरे वार्ड को हमने सीज कर दिया है, सील कर दिए सारे रास्ते। एक रास्ता टेम्प्रेरी तौर पर खोला गया है किसी एमरजेंसी के लिए, या हमें भी अगर राउंड लेना हो तो उसके लिए लोगों को बता दिया गया है कि आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। इस सील्ड इलाके में घरों से बाहर निकलने पे केवल कानूनी कार्रवाई होगी। युवक के पॉजिटिव मिलने के बाद डॉक्टर सुनील जादू के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीमों ने लोगों के सैंपल लिए हैं, जिनमें युवक के ताऊ ताई, चाचा चाची सहित परिवार के प्रत्येक सदस्य के सैंपल शामिल है। इन सभी की जाँच रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं चिकित्सा विभाग युवक की ट्रेवल हिस्ट्री तलाशने में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये युवक किसी न किसी तरीके से संक्रमित हो चुके तबलीगी जमातियों के संपर्क में आया था। वार्ड नंबर 41 में कोरोना पॉजिटिव 3 रोगी पाए गए थे, तो उनके आसपास के घरों में सर्वे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उस एरिया को बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया गया है, लोगों को घरों पर रहने की हिदायत दी गई है। सभी जो आसपास के घर हैं वो होम आइसोलेशन है, सबके घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। साथ ही हमारी सर्वे टीमों द्वारा ILI की खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार के रोगियों की पहचान की जा रही है। हमने इस आसपास के क्षेत्र से 51 लोगों को क्वारंटाइन किया है, उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आज शाम तक प्राप्त होने की संभावना है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने शहर में 12 दिन से जारी कर्फ्यू को और सख्त कर दिया है। पिछले कई दिनों से शहर के मुख्य स्थानों पर ही सख्ती बरत रही पुलिस आज गलियों सहित पूरे शहर में नजर आई। सुबह से ही पुलिस ने शहर के साथ जीप और 5 बाइक पर गश्त शुरू कर दी है। इसी के साथ खासकर कोरोना संक्रमण में संवेदनशील इलाकों में घरों से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। चालान और चीज़ की कार्रवाई यहाँ जारी है और सभी को रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं, जो आइडेंटिफाई बता रहा है उनकी आइडेंटिटी देख रहे हैं, उनको प्रमाणित है या नहीं है वो चीज़ें सब नोट कर रहे हैं और उनके बाद में उनको प्रमाणित करने के बाद में ही जाने दिया जा रहा है, अदरवाइज उनकी बाइक के चालान चीज़ की कार्रवाई जारी है। वही कम्युनिटी में संक्रमण फैलने के खतरे को भांपते हुए प्रशासन कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करवा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर खाद्य सामग्री बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में सामाजिक संगठन अब जरूरतमंदों को भोजन सामग्री और दूसरी जरूरी चीजें सीधे तौर पर नहीं बांट सकेंगे, इसके लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। कोरोना के खिलाफ पूरा प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। इसी के तहत नगर परिषद चूरू द्वारा भी शहर में लगातार सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया जा रहा है।
वहीं सैनिटाइजेशन के इस कार्य में और रफ्तार मिले इसके लिए आज मंडेलिया फाउंडेशन के द्वारा नगर परिषद को 5 ट्रैक्टर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनसे अब शहर के हर वार्ड और गलियों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर शहर को संक्रमण मुक्त बनाया जाएगा। जी, मंडेलिया फाउंडेशन की तरफ से आज नगर परिषद को ये 5 ट्रैक्टर उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने हमें ये 5 ट्रैक्टर भेंट किए हैं, जो 5 ट्रैक्टर शहर के हर वार्ड के अंदर जाके सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करेंगे। जैसा कि अभी भी जो चुरू के अंदर कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आज फिर से सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव की सुविधा हमें उपलब्ध करवाई है। ये जो 5 ट्रैक्टर है वो एक ट्रैक्टर 5 वार्ड को कवर करेगा और टोटल 60 वार्डों को रोटेशन में तब तक सैनिटाइजेशन होगा जब तक लॉकडाउन रहता है और जब तक हमारे चुरू के ऊपर से कोरोना महामारी का संकट चला नहीं जाता। पहले मंडेलिया फाउंडेशन की तरफ से हमें फोगिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी, जिसने शहर के प्रत्येक वार्ड में जाके फोगिंग की थी, और उसके बाद में उन्होंने हमें राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई, जो अभी भी चल रही है, उनके द्वारा राशन वितरित किया जा रहा है। और आज उसी श्रृंखला में उन्होंने जो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव है इसको एड ऑन किया है, और इन्होंने छोटी टंकियों की बजाय हमें ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध करवाई है, ताकि जो मैन पावर है वो भी ज़्यादा ना लगे और अच्छे से हर घर को और हर गली को सैनिटाइजेशन करवा दिया जाए। होम क्वारंटाइन में चलने वाले लोगों पर प्रशासन ने पूरी नजर बना रखी है। वहीं होम क्वारंटाइन की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई। ऐसा ही मामला रविवार शाम को रतनगढ़ तहसील के गांव गुसाईसर में सामने आया। गुसाईसर में 2 व्यक्ति बाहर से आए हुए थे, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने 11 दिनों पहले होम क्वारंटाइन किया था और बराबर इनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही थी। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जो स्वास्थ्य की जांच करने के लिए टीम इनके घर जा रही थी, तो वे अपने घर पर नहीं मिले, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई, तो रविवार को SDM गौरव सैनी के निर्देश पर तहसीलदार फारूक अली मैं पुलिस जाप्ता गुसाईसर पहुंचे और होम क्वारंटाइन में चल रहे 2 लोगों में से एक को खेत से और दूसरे को पड़ोसी के घर से पकड़ा। इन्हें राजल देसर की भर्ती स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है, जहां पर ये लोग रहेंगे। आज ग्राम गुसाईसर में शिकायत आ रही थी कि ANM और पटवारी जी के समझाने के बावजूद भी 2 लड़के जो बाहर से आए थे वो होम क्वारंटाइन की शर्तों की पालना नहीं कर रहे हैं और अपने घर से बाहर घूम रहे हैं। तो हमने मेडिकल टीम को साथ में लिया, पुलिस टीम को साथ में लिया और उनके गांव में पहुंचे। उनमें से एक लड़का तो गांव के बाहर गांव में घूमता हुआ पाया गया और दूसरा लड़का भी अपने घर के बाहर में घूमता हुआ पाया गया। तो SDM साहब के निर्देशों के अनुसार हमने दोनों को राजल देसर में जो स्टेट क्वारंटाइन फैसिलिटी है वहाँ पे लेके आ गए और वहाँ पे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर चूरू स्थित होटल्स, रिसोर्ट एवं सामाजिक संस्थानों के भवनों को परिसर सहित तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अधिग्रहित कर समस्त संसाधन व सुविधाओं सहित CMSO चूरू को सुपुर्द किया है। वहीं आदेशों की पालना का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक व चूरू नगर परिषद के आयुक्त का होगा। जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्राधिकरण चूरू के अध्यक्ष संदेश नायक ने कहा है कि चूरू जिले के समस्त नगरीय क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मास्क लगाना आवश्यक है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार आमजन की सुरक्षा हेतु घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इन आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन के अंतर्गत रतनगढ़ के वार्ड संख्या 26 में अवैध रूप से शराब की बिक्री की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 25,000 रुपए बाजार मूल्य की शराब जब्त की है। जांच अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि पोदारों के कुएं के पास एक युवक अपने नोहरे में शराब की अवैध रूप से बिक्री कर रहा है, जिस पर सब इंस्पेक्टर गोपीराम में पुलिस जाप्ता रविवार शाम मौके पर पहुंचे तो युवक शराब की अवैध रूप से बिक्री करते हुए पाया गया। तो मुख्य रूप से सूचना मिली थी कि गिरी शर्मा अपने नोरे में अवैध शराब बेच रहा है, जिसकी तस्दीक के लिए गए तो गिरी शर्मा अपने नोरे में शराब बेचता पाया गया, जिसके कब्जे से 10 कार्टून अवैध देसी शराब व 7 बीयर की बोतल जब्त कर और आरोपी गिरी शर्मा को गिरफ्तार किया गया। इस शराब का अनुमानित मूल्य लगभग 20,000 रुपये है। राजल देसर में आज भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष मदन दाधीच व पूर्व मंडल उपाध्यक्ष राकेश दाधीच के नेतृत्व में कोरोना वॉरियर्स का दुपट्टा, पुष्पगुच्छ व ड्रेस भेंट कर उनका सम्मान किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी लगातार ये सभी को कह रहे हैं कि
कि आप मेरा सम्मान नहीं, जो लोग सेवा में लगे हैं चिकित्सा कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी, उनका स्वागत करके, उनका सम्मान करके एक देश के प्रति उनकी भावना को अच्छे से करें। इसी क्रम में आज राजेश्वर भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री मदन जी दादीज एवं हमारे पूर्व उपाध्यक्ष राकेश जी दादीज एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मचारियों को पुष्प देकर दुसला उड़ाकर उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया। मैं इनको तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं आप यूं ही प्रेरणा स्रोत बनते रहेंगे और ये कोरोना योद्धा जो दिन रात लोगों की सेवा में अपने जी जान से लगे हुए हैं, इनका यूं ही सम्मान करते रहेंगे। धन्यवाद। रतनगढ़ तहसील के गांव भुकरेड़ी में आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के अवसर पर जाट महापुरुषों की याद में जाट दिवस मनाया गया। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता देवीलाल जाट ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण सार्वजनिक जगह पर नहीं मनाकर अपने घर पर यह कार्यक्रम रखा। इसके साथ ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए मां भारती के वीरों को दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्काउट ट्रुप के द्वारा मूक पक्षियों के लिए चुग्गा डालने में परिंडे लगाकर पानी की व्यवस्था की गई। विद्यालय के नजदीक रहने वाले स्काउट्स ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यह कार्य किया है। इस अवसर पर गोधन को गुड़ व चारा भी खिलाया गया। वहीं राजन देसर में भी कस्बे वासियों द्वारा लगातार पिछले 15 दिनों से कस्बे में घूम रहे आवारा गोवंश की चारे व खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। इस नेक कार्य में कस्बे के युवाओं का विशेष योगदान है। शाम और यहाँ सुबह शाम व्यवस्था नथुराम जी, लालचंद जी, ये सभी यहाँ केयर करते हैं, संभालते हैं। कितने दिन से व्यवस्था है? ये व्यवस्था रेगुलर रहती है, यहाँ की व्यवस्था परमानेंट व्यवस्था रहती है, यहाँ की चारे की व्यवस्था। कितना रोज कितना क्विंटल हो जाता है? सुबह शाम 2 क्विंटल चारा यहाँ पे डाल देते हैं। सरदार शहर में भी स्थानीय स्काउट गाइड संघ के द्वारा सब इंस्पेक्टर रामप्रताप वर्मा को 100 मास्क भेंट किए गए। इस मुहिम में ICIC की सेल्स ऑफिसर स्नेहलता स्वामी व गाइड वंदना स्वामी ने यह मास्क तैयार किए हैं। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड स्थानीय सिंह सरदार सर के निर्देशन में मुहिम चल रही है कि ऑल टू मोस्ट सभी को मास्क वितरित किए जाएं। इसके अंतर्गत हमारे साथ में छोटी बहन जो है स्नेहलता स्वामी है, ये सेल्स मैनेजर है ICIC बैंक में। इसने 85 स्कार्फ तैयार किए हैं और 20-25 स्कार्फ जो है वो वंदना स्वामी है गाइड रेंजर मित्र को लेकर 20-25 ने तैयार किए हैं। जिला मुख्यालय पर आज पंचायत सहायकों ने मुख्यमंत्री आपदा कोष के लिए 1,21,000 का चेक जिला कलेक्टर संदेश नायक को सौंपा है। पंचायत सहायक संघ के जिला अध्यक्ष रमेश दुआ ने बताया कि पंचायत सहायकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह चर्चा कर यह राशि एकत्रित की है। हम पंचायत सहायक संघ चोरू की तरफ से 1,21,000 का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष में दे रहे हैं, जबकि पंचायत सहायक 6,000 अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं। उसके बाद में भी हमने व्हाट्सएप ऐप पर यह निर्णय लिया कि हम मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो COVID-19 जो विश्व एक महामारी है, इससे देश जूझ रहा है, इसको देखते हुए हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1,21,000 का चेक हमने नए की नगद राशि ग्रहण की है। हमने व्हाट्सएप ऐप पर डालकर फ़ोनपे पेटीएम और नेट बैंकिंग की सहायता से ये राशि एकत्रित की है 1,21,000, और जो कम से कम 200 रुपये से लेकर 1,100 रुपये तक ये राशि जो 500 पंचायत सहायकों ने इसमें सहयोग दिया, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि नगद राशि हमने ग्रहण नहीं की है। वहीं बर्बरिक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ब्रांच गोगासर के डायरेक्टर रामावतार पारिक व सुभाष पारिक ने जिला कलेक्टर संदेश नायक को पीएम केयर फंड एवं सीएम राहत कोष के लिए 1,00,000 रुपए के चेक प्रदान किए हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पूर्व जिला प्रमुख भंवरलाल पुजारी की प्रेरणा से उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता के लिए ये राशि प्रदान की है। प्रधानमंत्री सहायता कोष एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष में हमारे बर्बरिक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो रामोदार जी पारिक गोगासर से है, जो समाज सेवी है, इन्होंने जो चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी है, 1,00,000 रुपए ट्रस्ट साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रधानमंत्री सहायता कोष में दिए हैं। इसके अलावा हमारे राजेंद्र से भम्मा साहब है, उन्होंने भी 800 किट आटे की बना करके और आसपास के क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को गुहार करने का घोषणा की।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोई भूखा ना सोए के आह्वान से प्रेरित होकर पूर्व जिला प्रमुख एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष भवरलाल पुजारी ने आज लॉकडाउन एवं कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंदों की सहायता प्रशासन को राशन सामग्री के किट भेंट किए। पुजारी ने पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम को 100 व SDM अविगर को 100 किट प्रदान किए। सभी वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जरूरतमंद लोगों की सहायता पहुंचाने के लिए चूरू जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को 100 किट दिए गए और आज हमने चूरू SDM साहब को भी सूचित किया और 100 किट हमने यहाँ हमारी SP मैडम तेजस्वी गौतम को यहाँ सूचित किया है कि जरूरतमंद व्यक्ति जो भी आपको नजर आए जिला प्रशासन को उनको ये राशन उपलब्ध कराई उसी के संदर्भ में हम यहाँ आ गए। भादरा तहसील के गांव जगासरी छोटी के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आज जगासरी बड़ी के गुसाई महाराज के डेरा के प्रभारी ने डॉक्टर अमित कुमार पुनिया को अपना निजी वाहन एम्बुलेंस के रूप में उपयोग लेने हेतु सौंपा। डेरा प्रभारी की इस पहल का सभी PSC स्टाफ ने स्वागत कर आभार व्यक्त किया। जगासरी छोटी की PSC पर कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, हमने ये निर्णय किया कि इस महामारी के अंदर सभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, साधन मिलते नहीं हैं, तो मैंने मेरी गाड़ी PSC को जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक एम्बुलेंस के रूप में भेंट की है। सभी से निवेदन है कि किसी भी वक्त आपको जरूरत हो तो PSC स्टाफ से संपर्क करें और एम्बुलेंस आपके घर पर पहुंचेगी। मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस काम के लिए प्रेरित किया, आप सभी का धन्यवाद। COVID-19 यानी कि कोरोना की महामारी के चलते हुए PSC जिज्ञासरी छोटी को अपने यातायात में बहुत ही समस्या हो रही थी, जिसका समाधान निकालते हुए आनंद गिरी जी महाराज ने अपना निजी वाहन उपलब्ध करवाया। इस उपलब्धि के लिए पूरा समस्त स्टाफ आपको धन्यवाद करता है। गांव घांगू में लॉकडाउन के चलते राशन की बड़ी दुकानों पर दुकानदार जो काम के लिए रखे थे वे छुट्टियों पर चले गए। ऐसे में दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और सारा काम स्वयं को ही करना पड़ रहा है। हमारे गाँव घांगू में हमें किराने की दुकान है हमारे पास, पहले तो हम एक आदमी रखते थे, वो लॉकडाउन भी चलते छुट्टी पर है और हम ग्राहकों का हमारे पास फ़ोन आते हैं तो वो कहते हैं हमें राशन दो, तो किसी को हम घर पे जाके दे के आते हैं, किसी को दुकान पे देते हैं, थोड़ी बहुत देर दुकान खोलते हैं उसके माइंड देते हैं, घर पर हम सामान तैयारी करते हैं तो हमारे बीवी बच्चों है ना वो भी साथ देते हैं, दिन में काम तैयारी करते हैं किसी ग्राहक का फोन आने के बाद। चूरू जिले की राष्ट्रीय सेवा योजना के समस्त इकाइयों ने अपने अपने क्षेत्रों में विश्वव्यापी महामारी कोरोना के विरुद्ध जागरूकता अभियान आरंभ किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर JB खान ने बताया कि चूरू जिले में कुल 28 इकाइयां विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत है। इन इकाइयों के स्वयंसेवकों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को जागरूक करने हेतु विभिन्न प्रकार के पोस्टर, ऑडियो मैसेजेस, वीडियो मैसेज एवं कविता के द्वारा अभियान चलाया गया है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि जिस तरह से हमारे देश में यह कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई है और आप सभी जानते हैं कि यह काफ़ी संयम और परीक्षा की घड़ी है और सरकार के द्वारा जो यह संपूर्ण लॉकडाउन लगाया हुआ है उसमें एकजुट होकर पूरी निष्ठा के साथ अनुशासन के साथ हमें पालन करना है और हर सूरत में पास होना है। इसीलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि घर के अलावा हम कहीं पर भी सेफ नहीं हैं और